हेलो साथियों, आज हम मनी अट्रैक्शन के लिए धूप बनाने जा रहे हैं। साथियों नमस्कार, जीवन सर से लता पांडे। आज हम बनाएंगे मनी अट्रैक्शन का धूप, मनी अट्रैक्शन करने वाली धूप। आज का वीडियो मनी अट्रैक्शन के लिए है। पैसे को अपनी तरफ खींचने वाला धूप हम कैसे बनाएंगे ये देखिए। हम सब अपने घरों में धूप जलाते हैं, पर आज हम वो धूप बनाएंगे जो घर की निगेटिविटी दूर करे और घर में पॉजिटिविटी को लाए। मनी को कैसे अट्रैक्ट करें, हमारे घर में जो हम पूजा करते हैं, हवन करते हैं, उन्हीं चीजों से हम ये धूप बनाएंगे। कौन सी चीजें हम लेंगे धूप बनाने के लिए, ये मैं आगे आपको बताती हूँ। खुशबू के लिए सूखे फूल, आप जो पूजा करते हैं उसमें ही आपके घर में फूल निकलते हैं। ये है, ये देखिए गेंदे का फूल, उसके बाद में है गुलाब का फूल, उसके बाद में है हरसिंगार का फूल, उसके बाद में है मोगरा, ये है आपका रजनीगंधा, और ये है आपका हिबिस्कस। अब हम इधर देखते हैं, ये है काउडंग पाउडर, ये है हवन सामग्री, ये हवन सामग्री हो गई, ये है आपका लाल चंदन, ये है सफेद चंदन, ये है तेज पत्ता, ये है लोभान, ये है गुग्गल, और इसके बीच में ये है काली मिर्च, और ये है लौंग का पाउडर, ये है दालचीनी, और ये है बेलगिरी की पाउडर। ये सारी चीजें हमने ली है। उसके बीच में ये हम लेंगे हरी इलायची, और ये है संतरे के छिलके का पाउडर, और ये है भीमसेनी कपूर, और इसको बाइंडिंग के लिए हम लेंगे ये घी, गाय का घी लिया है मैंने। जो जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसकी खूबियां बताती हूँ, उसके मतलब क्या बेनिफिट्स है हमारे लिए। तेज पत्ता जो है हर घर में मिलता है और इससे हम मैनिफेस्ट करते हैं। दालचीनी हर घर में मिलती है, इससे हम मनी अट्रैक्शन के लिए रिचुअल्स करते हैं। काली मिर्च रिचुअल्स के लिए काम आती है, मनी अट्रैक्शन के लिए। हरी इलायची, हरी इलायची शुक्र को मजबूत करती है और माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती है, इससे लग्जरीज आएगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। संतरे के छिलके जो है ये प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस के लिए है। संतरे के छिलके का कलर ऑरेंज होता है और ऑरेंज कलर प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है। लाल चंदन जो है गुग्गल लोभान भीमसेनी कपूर ये सारी ही निगेटिविटी दूर करते हैं। लौंग बहुत सारी मैनिफेस्ट में काम आता है। हवन सामग्री से तो हम हवन करते ही हैं, और काउडंग तो एकदम शुद्ध होता है। गेंदे का फूल जो है, गेंदे का फूल और हरसिंगार का फूल श्री हरि विष्णु को बहुत प्रसन्न करते हैं। मोगरा और रजनीगंधा सफेद कलर होता है इनका, महादेव चंद्र और शुक्र को ये मजबूत करता है। महादेव इससे प्रसन्न होते हैं, चंद्र और शुक्र को ये मजबूत करता है। गुलाब का फूल माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। गुड़हल का फूल माँ भगवती को और श्री गणेश को बहुत प्रिय है। तो हमने ये जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ये सारे ही मनी अट्रैक्शन के लिए है, और घर की निगेटिविटी दूर करके पॉजिटिविटी ये सब घर में लाएंगे। तो अब मैं इनकी पाउडर बना लेती हूँ और फिर आपके सामने आती हूँ। साथियों ये देखिए, ये मनी अट्रैक्शन धूप का पूरा मटेरियल बन चुका है। घर में बहुत मस्त खुशबू आ रही है, क्योंकि जो जो चीजें हमने ली है ये निगेटिविटी दूर करने वाली और खुशबू देने वाली, घर की निगेटिविटी दूर हो जाएगी इससे। अब इसमें मैं ये पूरा घी डाल देती हूँ, ये जो मैंने गाय का घी लिया था ये पूरा घी डाल देती हूँ बाइंडिंग के लिए। घी डालने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। घी पूरे नहीं होगा तो हम थोड़ा सा
थोड़ा थोड़ा करके पानी भी डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि सुखाना तो है ही, तो ये सूख जाएगा। और सूखने के बाद में जो घर में धूप जलता है बहुत मस्त खुशबू आती है। ये पूरा मिक्स हो चुका है, अभी हम इसका जो घर बाजार में मिलते हैं ना उस जैसे कोन बनाएंगे। ऐसे छोटे छोटे कोन बना के आप इसको सुखा करने के लिए रख दीजिएगा। आप जिस भी आकार में बनाना चाहते हैं उस आकार में बना दीजिए और ये सुखाने के लिए रख दीजिएगा। मैं आपको चार पांच बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जिस भी आकार के आपको बनाना है उस आकार के आप बना लीजिएगा और इसको सुखाने के लिए रख दीजिएगा। मैंने जो पहले बनाए थे उसको एक मैं जला के दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा कपूर डाल दीजिएगा और ये देखिएगा कितना मस्त घर में धुनी हो गया। मैं भगवान को सवेरे इसी से कपूर के साथ में धुनी देती हूँ और पूरे घर में भी इसी से धुनी देती हूँ और अपने आप के लिए भी इसी से धुनी लेती हूँ और मेरे पूरे प्लांट के लिए भी मैं इससे ही धुनी देती हूँ, पूरे प्लांट के लिए भी इसी से आशीर्वाद देती हूँ। ये देखिए कितना मस्त है घर में, बिल्कुल प्योर सारी चीजों का आपको ये मनी अट्रैक्शन धूप आपको मिल जाएगा। ये आप भी बनाइए और अपने घर की निगेटिविटी दूर कीजिए, अपने आप के लिए भी। आप जैसे है ना, जैसे दिया जलाते हैं, दिया जलाने के बाद में भगवान की आरती करने के बाद में आपको अपने आप के लिए भी वो आरती उतारनी चाहिए। भगवान को हम सीधी उतारते हैं, हमारे लिए ऐसी थोड़ी मतलब जब उल्टी हाथ से लेंगे तो वो सीधी लगेगी, तो इस हिसाब से हम ये आरती उतार सकते हैं। और ये धूप की धुनी भी हम अपने आप के लिए भी दे सकते हैं, अपने घर के लिए भी दे सकते हैं। साथ ही ये धूप जरूर बनाइएगा मनी अट्रैक्शन का, क्योंकि सारी चीजें मनी अट्रैक्शन की है इसमें। और अपनी परेशानियां दूर कीजिए और घर में पॉजिटिविटी लाइए, घर में पॉजिटिविटी लाइए, अपने आप में भी पॉजिटिविटी लाइए। कितने देखिए कितने मस्त जल रहा है ये, है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी दीजिए, और अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी, नोटिफिकेशंस लगाती रहे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टन्स ऑफ हैप्पीनेस, बंडल्स ऑफ सक्सेस। थैंक यू।